वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना की तीन जांचों के बारे में जो कोरोना के लिए की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड एंटीबॉडीज टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को कोविड सीरोलॉजी टेस्ट या फिर कोविड एंटीबॉडी स्क्रीन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे कि कोविड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये बताता है कि पहले आपको कोविड 19 इन्फेक्शन था या नहीं, मतलब पहले। यह पहले का मतलब होता है कि एक हफ्ता, 15 दिन, 6 महीने या 1 साल पहले, मतलब ये बताता है पास्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये टेस्ट ये नहीं बताता है कि आपको आज कोविड 19 इन्फेक्शन है, मतलब ये पास्ट इन्फेक्शन के बारे में बताता है। ये टेस्ट बताता क्या है? ये टेस्ट बताता है एंटीबॉडीज के बारे में जो शरीर में इन्फेक्शन के बाद में बनती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी हमारे की जो बॉडी होती है वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेती है, जिससे क्या होता है अगली बार जब वो इन्फेक्शन आए तो हमारी बॉडी उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। मतलब ये क्यों करवाते हैं? इसका करवाने का कारण ये होता है कि पिछले 1 साल में, मतलब जब से कोरोना शुरू हुआ तब से आपको कभी भी ये लक्षण थे, मतलब खांसी है, बुखार, जुकाम, थकान, सर में दर्द, शरीर में दर्द, गले में खराश, आपको स्वाद ना आना या किसी चीज़ की खुशबू ना आना, जी मत लाना, उसके अलावा उल्टी या दस्त वगैरह, पिछले 1 साल में कभी भी आपको ये लक्षण थे तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं तथा आपको इससे पता चल सकता है कि आपको पास्ट में या पहले कोरोना का इन्फेक्शन था या नहीं। इस टेस्ट के लिए क्या सैंपल की ज़रूरत होती है? तो इस टेस्ट के लिए नॉर्मल जो खून होता है, जो आपके हाथ से लिया जाता है, उसकी ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट के बारे में, कोविड एंटीजन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड मतलब ये टेस्ट बहुत फास्ट होता है और ये टेस्ट जो होता है किट के जरिए होता है, जैसे प्रेगनेंसी की स्क्रीनिंग होती है, सेम इसी तरीके की एक जो है किट होती है जिसमें पता चल जाता है। अब यदि हम बात करें ये टेस्ट कोविड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, तो ये जो टेस्ट होता है ये बताता है कि आपको अभी, मतलब आज कोविड 19 का इन्फेक्शन है कि नहीं है। मतलब ये टेस्ट एक्टिव मौजूद इन्फेक्शन के बारे में बताता है, मतलब आज है या नहीं है। ये टेस्ट कब और क्यों करवाते हैं? यदि आपके अंदर अभी ये लक्षण मौजूद हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसके अंदर कोरोना के लक्षण मौजूद थे, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, थकान, सर में दर्द, शरीर में दर्द, गले में खराश, गंध या स्वाद की ना पता चलना, उसके अलावा जी मत लाना, उल्टी या दस्त, मतलब आपको इन्फेक्शन है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ पाए जिसको ये लक्षण थे, तो आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। इस टेस्ट के साथ कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। इस टेस्ट को एक अच्छा टेस्ट क्यों नहीं माना जाता है? तो ये जो टेस्ट होता है ये, इसमें कारण क्या होता है, इसमें एक्टिव इन्फेक्शन के लापता या मिसिंग होने की संभावना अधिक होती है, मतलब फाल्स निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। उसके अलावा रैपिड टेस्ट आमतौर पर ज़्यादा सटीक या एक्यूरेट होते हैं यदि आप पॉजिटिव हैं, मतलब अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं, बट यदि आपका इस टेस्ट का रिपोर्ट या रिजल्ट निगेटिव आता है तो आपको कन्फर्म करना पड़ेगा RT-PCR टेस्ट से। इस टेस्ट के लिए कौन से सैंपल की ज़रूरत होती है, इसको कैसे करते हैं? तो इसके लिए क्या होता है, आपका जो नाक से सैंपल लिया जाता है या मुंह से, जो थ्रोट का जो सैंपल है वो लिया जाता है और उसके ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है। अब यदि हम बात करें थर्ड टेस्ट के बारे में, कोविड RT-PCR टेस्ट। RT-PCR का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये फास्ट टेस्ट होता है, मॉलिकुलर टेस्ट होता है। यदि हम बात करें ये टेस्ट होता क्या है, एंटीजन टेस्ट की तरह ये टेस्ट भी बताता है कि आपको कोविड 19 इन्फेक्शन अभी है या नहीं है, मतलब ये एक्टिव या मौजूद इन्फेक्शन के बारे में बताता है। ये जो टेस्ट है कब और क्यों करवाते हैं? यदि आपके अंदर कोरोना के लक्षण मौजूद हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसके अंदर कोरोना के लक्षण मौजूद थे, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, थकान, सर में दर्द, शरीर में दर्द, गले में खराश, स्वाद ना आना या किसी चीज़ की स्मेल ना आना, जी मत लाना, साथ साथ में उल्टी या दस्त, मतलब ये लक्षण थे, तो आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए।
इस टेस्ट के लिए कौन से सैंपल की ज़रूरत होती है? तो नॉर्मल इसके लिए जैसा हम एंटीजन की टेस्ट में ज़रूरत होती है, आपका जो थ्रॉट और आपके नाक का सैंपल, नेजल सैंपल लिया जाता है और इसके ज़रिए टेस्ट किया जाता है। अब यदि हम बात करें कोविड जांच की कीमत कितनी होती है, तो कोविड में अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट की, तो उसकी कीमत जो होती है 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में होती है। उसके अलावा एंटीजन टेस्ट की जो कॉस्ट होती है 400 रुपये से 600 रुपये के बीच में, और कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट की जो कॉस्ट होती है 600 रुपये से 1200 रुपये के बीच में। ये टेस्ट डिपेंड करता है गवर्नमेंट ने उसमें कितना जो है रेट फिक्स किया है उस स्टेट गवर्नमेंट ने, इस पर डिपेंड करता है। अब यदि हम बात करें कोविड जांच की रिपोर्ट कब आती है, तो कोविड जांच की रिपोर्ट सबसे पहले कोविड एंटीबॉडी टेस्ट की हम बात करें तो इसमें 1 से 3 दिन लगते हैं, और कोविड एंटीजन टेस्ट में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। उसके अलावा जो कोविड आरटीपीसीआर है इसमें 2 या 3 दिन लग सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी लैब से करवा रहे हैं, उसके पास सैंपल लोड कितना है। अब यदि हम बात करें ये टेस्ट कौन सी लैब में होती है, कहाँ होती है, तो इसकी जे लिए जो होता है जो भी लैब है वो NABL या ICMR अप्रूव्ड है तो उसमें होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस टेस्ट की जांच होती है, इन तीनों टेस्टों की जांच होती है। सो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हो सकता है किसी को नॉलेज मिले और वो सही कदम उठाएं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रेनबो।